हेलो 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 हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आज हम बात करेंगे हमारा लंच कैसा होना चाहिए, हमको लंच कितने बजे करना चाहिए, लंच में हमको क्या खाना चाहिए। जो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है मैं आपको शेयर करूंगी कि हमको अपनी लंच की हमारी थाली में हमारा दोपहर का खाना कितने बजे और कैसा होना चाहिए। चलिए सीखते हैं कैसे। हमारा लंच दोपहर के 1 बजे तक हो जाना चाहिए, 12:30 और 1 बजे के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम नाश्ता करेंगे 10 बजे, तो 2-3 घंटे के अंदर 1 और 2 के बीच में कंप्लीट होना चाहिए, 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मोस्टली आप चाहें तो 1 बजे तक कंप्लीट कर दें। 1 घंटे का टाइम होता है, आप कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी हो जाए चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट 1 बजे तक आपका खाना कंप्लीट होना चाहिए। तो खाने में हमको क्या खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में आपको बीच में 11:30 बजे तक आप एक सूप अगर बना सके तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूप पीने से क्या होता है, चाहे वो कच्ची वेजिटेबल को मिक्सर में ग्राइंड करके पी लीजिए या सूप बना के पी लीजिए, एक लिक्विड आपके अंदर जाना चाहिए, चाहे इतना कप ही पीजिए, लेकिन वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करता है। तो वो जरूर थोड़ा सा सूप या कुछ अगर चाहें तो आप बना के जरूर पियेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अभी आपको खाने की थाली क्या क्या तैयार करनी है अपने लिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल जरूर लेनी है, रोटी खानी है, गेहूं की रोटी आप खाते हैं, हम सब लोग गेहूं की खाते हैं, बट ट्राई कीजिए गेहूं की रोटी के अंदर कोई ऐसा आटा मिक्स कर लीजिए जिससे कि गेहूं की क्वांटिटी कम हो जाए, जैसे कि थोड़ा बेसन मिक्स कर लीजिए, थोड़ा ओट्स पीसे हुए प्लेन वाले ओट्स वो मिक्स करके आटा गूंद लीजिए, थोड़ा नाचनी का आटा मिक्स कर लीजिए। खानी तो आपको रोटी है तो ब्लैक नाचनी भी खा सकते हैं आप, जो लोग बाजरे की खाते हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन जिसको जैसा सूट होता है, बट ग्लूटीन वाला प्लेन आटा मत खाइए। तो रोटी आपको दोपहर को खानी है तो आपको कोई भी सब्जियां हैं फाइबर वाली सब्जियां ढूंढनी है जिसके अंदर फाइबर खूब हो, और पानी वाली सब्जियां, जूसी सब्जियां जिसके अंदर नेचुरल वाटरी पानी होता है सब्जियों के अंदर, वो वाली आपको खानी है। आपको सलाद जरूर लेना है, खाने से पहले या खाने के साथ में आपको 1 प्लेट रेडी करनी है जो सलाद की, जो भी कच्चा सलाद है जिसमें आप मूली ककड़ी प्याज टमाटर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हैं, हरा पालक भी ले सकते हैं, मूली के पत्ते भी ले सकते हैं, थोड़ा इतना ही बाउल भर के आपको वो जरूर खाना है। चाहे उसको अगर ऐसे चबाने को आपको टाइम लगता है तो उसको पूरा मैश करके उसकी प्योरी सी बना लीजिए, वो क्या बोलते हैं लिक्विड सा ना, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा कटोरी में वो फट से अंदर जाता है, ऐसे चबाने को टाइम लगता है, बट वो खीर के जैसा ना, उसमें थोड़ा लेमन डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, वो खा लीजिए खाने से पहले 10 मिनट पहले वो खा लीजिए, ताकि आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, मैं ऐसा ही करती हूँ। वो खाने के बाद में फिर आपको लेनी है अपनी थाली, आपको क्या खाना है। रोटी मेरे हिसाब से आपको 1 खानी चाहिए, अभी आपकी जितनी भूख है वो हिसाब से आप खाएंगे, बट अगर आपको पतले होना तो खाना भी कम करना पड़ेगा, ऐसा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाए तो। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो 2 कटोरी आपको सब्जी लेनी है, सब्जी आप आलू बैंगन की लीजिए, पालक लीजिए, टिंडे लीजिए, तोरई लीजिए, जितनी भी मौसम की सब्जियां हैं, भिंडी लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए, कैसे भी बनाइए, नो प्रॉब्लम, उसका कोई नहीं है, बट उसकी क्वांटिटी, जैसे आपने 1 कटोरी सब्जी ली है, 1 रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी ले लीजिए, बस ये रेशो आपको रखना है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी ले लीजिए, समझा, कि रोटी से ज़्यादा आपको सब्जी लेना है। अगर आपके पास में दाल भी आपने साथ में ली हुई है तो फिर 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी लीजिए 1 कटोरी दाल लीजिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो हम अन्न गेहूँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी की आपको सब्जी लेनी है, उससे ज़्यादा आप दाल ले सकते हैं। दालों में भी हल्की वाली दालें खाइए, पीला मूंग दाल खाइए, मसूर दाल खाइए, तुअर दाल खाइए, ग्रीन स्प्राउट वाली दाल खाइए, ग्रीन वाली दाल के अंदर पालक डाल के उसको लिक्विड पतला बना के खाइए। तो ये हेल्दी चीज़ें खाने से क्या ना, आपका पेट अपने आप ही अच्छा होने लगता है, आपकी चर्बी कम होने लगती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राजमा ज़्यादा खा लेंगे, चने ज़्यादा खा लेंगे, वो भी अच्छे हैं, वो भी खाने हैं, बट उनको जिनको पतले होना है या जिनको हैवी डाइट नहीं खानी है उनको थोड़े से कम खाने हैं, उसको हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार खाया कीजिए। नॉर्मली आप सब्जी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ग्रीन सब्जियाँ, लौकी, टिंडे, तुरई, जो भी मौसम की सब्जियां आपको सब खानी, कोई सब्जी आपको छोड़नी नहीं है। नियम से भोपले की सब्जी बनाइए, लौकी की सब्जी बनाइए, दाल में डाल के उसका सांभर करके खाइए,
कोई भी चीजों को, सब्जियां, मेरा कहने का मतलब आपको है कि सब्जियां आपको ज्यादा खानी, तो आपकी थाली तभी अच्छी रहेगी, आपका पेट तभी अच्छा रहेगा, एक रोटी के साथ में दो सब्जी की कटोरी और एक दाल, तो आपका देखिए पेट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप पतले होने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जब मैंने तेल चेंज किए हैं, बताए हुए आपको कि आपको ऑर्गेनिक लेने हैं, वो तो मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ और भी बना दूंगी आपको, तेल और शक्कर इन चीज़ों को कैसे चेंज करना है। ये क्वांटिटी का अगर आप खाना खाएंगे, आप जरूर तीन चार रोटियां खाते होंगे, जो लोग खाते हैं, खाने भी चाहिए, भूख लगती है, लेकिन जिनको पतले होना, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको अपनी चर्बी कम करनी है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना है, बिना एक्सरसाइज से, बिना भाग दौड़ से, बिना मेहनत किए, कि अगर आप, मैं ये मानती हूँ अगर हमारे अंदर जो खाना जाता है ना, हम उसी से मोटे या पतले होते हैं, ये तो मैं 101% श्योर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पर लागू कर रही हूँ, आपको भी वही बता रही हूँ। जो भी आपको रोटी खानी है, एक खाइए, दो खाइए, तीन खाइए, दोपहर को ही खानी है, रात को क्या खाना है मैं वो बताऊंगी, लेकिन रोटी आपको दोपहर को खानी है, रोटी से ज्यादा आपको डबल जो सब्जियां हैं वो खानी है, सब्जी आप कोई भी ले लीजिए, कैसी भी ले लीजिए, लेकिन मौसम के अनुसार जो भी मौसम की सब्जियां, वो ढेरों सब्जी खानी है, बल्क क्वांटिटी में खानी है, आप समझे, सब्जी ज्यादा बनाइए, कंजूसी मत कीजिए कि इतनी सब्जी से हो जाएगा, अगर आप पाव किलो सब्जी बनाते हैं, आधा किलो बनाइए, आधा किलो बनाते रहो, एक किलो बनाइए, ताकि सब्जी आपके अंदर जानी चाहिए। बच्चों को भी वही बोलिए कि खूब सब्जी खानी है, जैसे चने की दाल में लौकी डाल के बना लीजिए, सांभर में कद्दू डाल के बना लीजिए, सांभर में मूली डाल के बना लीजिए, मूली गाजर, जैसे गाजर आलू मटर की सब्जी बना लीजिए, मीन्स सब्जियां 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 आपके खाने में कर दीजिए, तो देखो आप कैसे मिनटों में पतले होते हो। इतनी सब्जी नहीं लेनी है, नॉर्मली क्या होता है लोग चार पांच रोटियां रख लेते हैं, सब्जी लेते हैं इतनी सी, इतना सा अचार रखते हैं, तो ठसा ठस अंदर रोटियां पांच छह अंदर खा लेते हैं, इसके वजह से वो अंदर हमारी जो बीमारियां बढ़ती हैं, हमारा जो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, हम मोटे भी होते हैं, सिर्फ हमारा कारण है हमारी रोटियां। रोटियों की क्वांटिटी कम कर दीजिए, सब्जियों की बढ़ा दीजिए, देखिए आप कैसे कैसे पतले भी हो जाएंगे, आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट का, आपको रात को कैसे 14 घंटे का उपवास रखना है, 14 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, फिर सुबह आप फ्रूट खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद ऐसा वाला खाना खाएंगे, तो आपकी सेहत कैसी नहीं सही होने वाली है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए कि हमको अपने लंच में क्या खाना है, खूब सारा सलाद, एक थाली बना लेनी है आपको, जिसमें इतना सारा अगर सलाद है तो उतनी ही सब्जी होनी चाहिए, एक कटोरी दाल होनी चाहिए, रोटी एक होनी चाहिए, एक या दो राइस लेना है तो थोड़े से लेना है, बस ऐसी अगर थाली की आपको डिजाइनिंग कर लेंगे ना कि हमारे अंदर ये चीजें जानी चाहिए, तो पूरे विटामिन मिनरल जो भी हैं सब आपके अंदर चले जाएंगे, तो कौन रोक सकता है आपकी सेहत को, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बीमारियां, आपके अंदर के डिटॉक्स बॉडी, शुगर वुगर सब कुछ छूमंतर होने लिए, हमारे अंदर जो जाता है हमारी बॉडी वही रिएक्शन देती है, आप ये समझ लीजिए। तो आपको तली हुई पूड़ियाँ, तले हुए चने, भटूरे, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है, मैदा अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, कोई भी मैदे की चीज़ नहीं खानी है, बटर, नान, जो भी आप खाते हैं ना बाजार से ला के, आप खुद बनाते हैं, अपनी किचन से मैदे को पूरा कटअप कर दीजिए, मैदे को हटा दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सही होने वाली है, मैं पक्का बोलती हूँ, जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको समझा देती हूँ, आगे तो आपकी मर्जी है, मैदे को हटा दीजिए बस, और आटा खाना, आटे के अंदर कुछ ना कुछ जो हेल्दी वाली चीज़ें थोड़ी मिक्स कर लीजिए, ताकि आटे की क्वांटिटी कम जाए, और उससे भी अच्छा है कि अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो उसमें ककड़ी घस के थोड़ी डाल दीजिए, उसका गूंद लीजिए, बीटरूट को घस के वो डाल दीजिए, उसको गूंद लीजिए, जैसे सुबह पराठे खाते हैं, बट आपको दोपहर को भी अगर खानी है सब्जियाँ ऐड करके अगर रोटी खाएंगे, जैसे पालक को हल्का सा बॉयल कीजिए और उसको मैश कीजिए, उसका आटा गूंद लीजिए, पालक की ग्रीन ग्रीन रोटियाँ बना लीजिए, तो कितनी हेल्दी बन जाएंगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, आगे तो भगवान की मर्जी है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, बट इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगता है, बट आपकी सेहत अच्छी होगी, पक्का होगी। इन चीज़ों को याद रखिए कि मैं जो बताती हूँ उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होने लग जाएगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी बीमारियाँ दूर होगी, और ये जो डाइट है, भले शुगर है तो भी खाइए, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपको यही वाली डाइट खानी है, बट टाइम लगता है, स्लो 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 बॉडी रिलीज होती है, ऐसी चुटकियों में नहीं होती है, सालों लगते हैं, एटलीस्ट 1-2 साल तो लगेंगे। डाइट अंदर अच्छी जाएगी तो आपका चेहरा भी खिलेगा, आप सुंदर भी दिखेंगे, आपकी चर्बी भी कम होगी और बीमारियां भी दूर होंगी। तो ये हो गया मेरे लंच की थाली, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको डिनर क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए,
थैंक यू।